मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बिलासपुर में। आज मेयर का चुनाव होगा। नगर निगम में कांग्रेस के 35 और 34 पार्षद जीते थे। इसके बाद बागी होकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस नेत्री के पार्टी को समर्थन देने के बाद अब बिलासपुर में भी कांग्रेस का मेयर बनना लगभग तय हो गया है। उसके साथ ही कांग्रेस पार्षदों की संख्या 36 हो गई है। इससे 70 वार्ड वाले बिलासपुर में कांग्रेस का महापौर बनने का रास्ता साफ हो चला है। हालांकि अभी भी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। तो एक निर्दलीय पार्षद का कांग्रेस को समर्थन दिया है। कांग्रेस को सता रहा है क्रॉस वोटिंग का डर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बिलासपुर से बता रहे हैं। बिलासपुर में आज मेयर का चुनाव होगा। नगर निगम में कांग्रेस के 35 और 34 पार्षद जीते हुए थे और इसके बाद ही बागी होकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस नेत्री के पार्टी को समर्थन दिए जाने के बाद अब बिलासपुर में भी कांग्रेस का ही मेयर बनना लगभग तय हो गया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्षदों की संख्या 36 हो चली है। इससे 70 वार्ड वाले बिलासपुर में कांग्रेस का महापौर बनने का रास्ता एकदम साफ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी कांग्रेस पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर भी यहां पर सता रहा है। शैलेंद्र पाठक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या लगता है जो डर कांग्रेस को सता रहा है, क्या भीतरघात का डर वाकई है? निश्चित रूप से यही वजह है कि जो जो सारे पार्षद हैं, जितने हुए पार्षद है उनको एक दिन पहले कहीं दूसरे स्थान पर रखा गया था और एक साथ रखा गया था उनको, और आज सवेरे वहाँ कोटा उनको रखा गया था जंगल में, उनको एक रिसोर्ट में, और वहाँ से उनको भी लाया जा रहा है वहाँ से, और उसके बाद मीटिंग होगी, अभी शपथ ग्रहण समारोह होगा 10:30 बजे। कलेक्टर लक्ष्मीराम ऑडिटोरियम में शपथ भी लाएंगे सभी पार्षदों को, और उसके बाद जो है वो मतदान होगा मेयर के लिए। और पूरा इतिहास बड़ा रही है कांग्रेस, क्योंकि कुछ निर्दलीय जो है वो ये लगातार जो बात की चर्चा है कि वो कांस्टिट्यूशन के संपर्क में है, ऐसे में जो कांग्रेस को डर सता रहा था, यही वजह है कि उनको सारे लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस ने भीतरघात और क्रॉस वोटिंग के डर से ये अलग करके और एक साथ रखा हुआ है। और ये निश्चित रूप से, हालांकि जो 34 जीते थे और उसमें 3 निर्दलीय जो बागी थे कांग्रेस के, जो बागी होकर चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी समर्थन ले लिया, जिससे प्राप्त हो गया है कम से कम कि जो कांग्रेस के पास बहुमत है वो पर्याप्त हो गया है। ऐसे में जो स्थिति है वो साफ है कि मेयर कांग्रेस का ही बनेगा। और सबसे खास बात ये है कि बगल में दो धर्मेंद्र साहू और विजेंद्र पाटिल जो पीसीसी के सचिव है, उन दोनों को यहाँ भेजा हुआ है, दोनों लगातार यहाँ पर नजर बनाया हुआ है, रात भर यही लगातार पार्षदों के संपर्क में थे, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं वो, ताकि ये उनको करें कि जो डायरेक्शन है सीएम साहब का कि किसी तरीके की प्राथमिकता ही नहीं होना चाहिए, जो संगठन का प्रत्याशी तय किया जाएगा उसको सभी को समर्थन देना, उसको मतदान करना है, और इसको लेकर के बहुत इतिहास बढ़ता जा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद जो है कमरे में होगा मतदान होगा जो है महापर्व का, और उसके बाद जो इस पर नजर रखी जाएगी, कहीं कोई पार्षद जो है सीनियर उसमें नेता कांग्रेस में मौजूद रहेगी, इस बात पर नजर रखती है कहीं कोई क्रॉस वोटिंग जैसी कोई स्थिति तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई बीजेपी के संपर्क में तो नहीं है। हालांकि जिस तरीके से 3 पार्षदों ने, निर्दलीय पार्षदों ने समर्थन ले लिया है, उससे साफ किया है कि अब जो मेयर जो है वो कांग्रेस का ही बनेगा। और खासतौर पर सीएम भूपेश बघेल की नजर बिलासपुर जिले में, ऐसे में लगता नहीं है कि कहीं क्रॉस वोटिंग हो, अगर होगी तो इस तरीके की स्थिति जो बहुत भयानक होगी उस पर। अब बीजेपी लगातार प्रयास कर दी कहीं ना कहीं ऐसी क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस को कम से कम परेशानी बढ़ती है, हालांकि वो छोटा भी कांग्रेस के लिए खजीर जरूर खड़े करने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की जा सकती है, इसकी कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से हो सकती है। चलिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। शैलेंद्र, जानकारी के लिए शुक्रिया।